परमेश्वर का पवित्र नाम और अधिक महिमा पाए। आज के वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का वचन की सेवा में मैं स्वागत करता हूं। आज के मनन के लिए भजन संहिता 66 के 18 और 19 वाक्य को हम पढ़ेंगे। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान लगाया है। हमारे आज के मनन का विषय है प्रार्थना करने वाले ध्यान रखें। मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर आप प्रार्थना करने वालों में से हैं तो ध्यान रखिए। वचन आपके लिए कुछ बातों को ध्यान रखने को सिखाता है। पढ़े हुए वचन में ही हम दो बातों को स्पष्ट रूप से समझते हैं, पहला प्रार्थना करने वाले और दूसरा मन में अनर्थ सोचने वाले। मन में अनर्थ का विचार रखकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। प्रार्थना में जाने से पहले अनर्थ के विचार को खुद से दूर कर दें और प्रार्थना में पश्चाताप के मन के साथ और क्षमा भाव के साथ आएं। नीति वचन 28वें अध्याय के 9वें वाक्य को अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। अगर ऐसा है तो प्रार्थना जो व्यवस्था से अलग होकर की जाती है उनको प्रभु ना सिर्फ नकारता है पर उसे तुच्छ भी जानता है। इसलिए जो दूसरी बात हमें समझनी है वो ये है कि हमारी प्रार्थना प्रभु की व्यवस्था को मानते हुए होने पाए। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब पहले अध्याय के 15वें, 16वें और 17वें वाक्य का मनन करें तो वहां पर भी यही लिखा है, अगर हम पवित्रता और मन फिराव के साथ प्रार्थना में नहीं आए हैं तो प्रभु उस प्रार्थना को नकार देता है। इसीलिए प्रार्थना करने वाले प्रियजनों, पवित्रता और वचन की व्यवस्थता में प्रार्थना करो। लूका का सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 9 से 14वें वाक्य को गौर करें तो वहां पर हम सीखते हैं कि प्रार्थना करने वाले अपनी गलतियों को स्वीकार कर प्रार्थना करें। अगर हम प्रार्थना में अपने आप को धर्मी बताकर और किसी और को दोषी ठहराकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है। प्रियो, प्रार्थना ये नहीं कि प्रभु को कुछ भी बोलकर हम चले जाएं, लेकिन एक अच्छे प्रभु भक्त को पता है कि प्रार्थना उसको प्रभु के निरंतर करीब लाती है और जितना वो प्रभु के करीब आता जाता है उतना ही पवित्र आत्मा उसके जीवन की कमियों को दिखाता रहता है। हर प्रार्थना में वो कमियां दूर होती जाती है और इसी कारण वो प्रभु के निरंतर करीब आता है। सही रीति से प्रार्थना करने वालों को पवित्र आत्मा ज्ञान दिलाती रहती है और ध्यान रखने का हिदायत देती रहती है। इसीलिए प्रार्थना करने वाले प्रियों, अब ध्यान दें, अनर्थ के विचारों को त्याग दें, पश्चाताप के हृदय के साथ, अनुशासन के हृदय के साथ, विश्वास द्वारा अपवित्रता को दूर कर प्रार्थना करते हुए हम प्रभु में आए। इसी बात की हमारे समय में बहुत अधिक जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना को कभी ना नकारेगा। जब आप हाथ फैलाकर उसके सामने जाएंगे तो आपको नजरअंदाज नहीं करेगा, पर इसी के विपरीत निश्चित रूप से प्रभु आपकी प्रार्थना को अपनी महिमा प्रकट करने के लिए उत्तर देगा। आप इन बातों पर विशेष गौर करें। आपका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।